आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पर मैं सृष्टि मुखर्जी पुनः दरभंगा से ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आज उपस्थित हुई हूँ। और मेरा जो ये टॉपिक है, मेरा ये टॉपिक है सी टेट के लिए। हमारी जो अभी की क्लासेस हैं वो आने वाले, जो आने वाला महीना है दिसंबर, इस दिसंबर में सी टेट की जो एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए आज हम लोग पुनः अपने अपने सिलेबस, अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि हमारे मंच के द्वारा आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, इससे आप सभी को बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम लोग और पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ सी टेट का सिलेबस जो इस बार का मैं बता दूँ, सिलेबस जो है मेरा है पैडागॉजी साइकोलॉजी कंपलसरी पेपर। इससे मैं अपने चैप्टर्स लूँगी। जैसा कि आप सभी को आंश है, ध्यान है कि हमारा जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये है पैडागॉजी में। और इसमें मेरा जो टॉपिक है हमारे यहाँ इस ग्रुप में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में कुल 12 सदस्य हैं। सदस्य शिक्षकों का क्लास चलेगा और बहुत लोगों का बहुत अच्छा और उम्दा क्लास भी आया है, उसी में मेरा भी क्लास है। तो आज मैं 15वां अध्याय जो कि है प्रतिभाशाली बालक, आज हम उसको पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, प्रतिभाशाली यानी ऐसे बालक जो प्रतिभा संपन्न है, यानी जिनके आव भाव व्यवहार, जिनके शारीरिक ढांचे से आप समझ सकते हैं कि ये बालक प्रतिभाशाली है, जिनके बोलने के तरीके, समझने के तरीके। तो प्रतिभाशाली बालक हर कक्षा में विद्यमान रहता है। आज हम प्रतिभाशाली बालक को पहचानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक कौन होता है, उसके क्या हाव भाव होते हैं, उसके क्या व्यवहार होते हैं, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता, उसके पहचान, उसके गुण दोष, यानी कि हम उनका मार्गदर्शन कैसे करेंगे, आज हम ये चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। तो हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पे है मेरा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक की पहचान एवं प्रतिभाशाली बालक की विशेषता, इसके गुण और दोष। तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि प्रतिभाशाली बालक हम उसे कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की तुलना में अच्छी होती है। ऐसे बच्चे का जो व्यवहार होता है, जो सीखने की क्षमता होती है, ये सभी सामान्य से क्या होती है, ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखिएगा। और ये बालक क्या होते हैं, तो ये किसी भी क्रिया में अपनी क्षमता से सामान्य बालकों से तीव्र होते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, इनका सभी के साथ तालमेल भी अच्छा बैठता है। अब हम यूँ कह सकते हैं कि ये सीखने में दक्ष होते हैं, सिखाने में दक्ष होते हैं, तो ये बहुत तेज तर्राक होते हैं, इनकी बुद्धि सामान्य से बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे बालक हमारी कक्षा में रहते हैं। अब ऐसे बालकों की पहचान करनी, हमारे मनोविज्ञान में कहा जाता है कि बहुत जो तीव्र होता है वो भी समाज के लिए कहीं ना कहीं, अगर उनका मार्गदर्शन ना किया जाए तो हानि करता है, और बहुत जो मंद होता है वो तो समाज के लिए हानि करता ही है। तो तीव्र और मंद को ही सामान्य के साथ आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार हम उनकी शिक्षा दीक्षा करेंगे, आज इस चैप्टर्स के माध्यम से हम जानेंगे। तो हमारा जो प्रतिभाशाली बालक है, इसको हमें क्या करना है, इनको हमको शिक्षा देने के लिए विशेष व्यवस्था करनी है। सबसे पहले कक्षा में हम ध्यान करेंगे कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो सामान्य से जल्दी जवाब देते हैं। ऐसे कौन बच्चे हैं जिनकी रुचि रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा है। ऐसे कौन बच्चे हैं जो सभी के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। ऐसे बच्चे हम अगर उनका मार्गदर्शन करें तो ऐसे बच्चे हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक धरोहर होंगे। तो ऐसे ही बच्चे को हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। हमने इससे पहला जाना कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं। प्रतिभाशाली बालक हमारे आस पड़ोस, हमारे विद्यालय में हमें हमेशा मिल ही जाते हैं। तो ऐसे बालकों का अगर हमें सही ढंग से मार्गदर्शन करना है तो इनके लिए हमें कुछ युक्तियां अपनानी होगी।
क्योंकि हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र को यही प्रतिभाशाली बालक एक पहचान दिलाते हैं, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं। तो इनका मार्गदर्शन करना हम शिक्षकों का भी परम कर्तव्य है। तो आज हम लोग अभी जानेंगे प्रतिभाशाली बालक को हम पहचाने कैसे। तो यहाँ मैं आपके सामने, मैंने यहाँ लिखा है कुछ बिंदु हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आप थोड़ा ध्यान दें। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हम उनके बुद्धि परीक्षण को करके कर सकते हैं, यानी जो भी प्रतिभाशाली बालक है उनसे हम उनके आयु और उनकी बुद्धि सापेक्ष प्रश्न तैयार कर प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि कौन बालक सामान्य है और कौन बालक प्रतिभाशाली है। उसी प्रकार उनके बुद्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण की उपलब्धियों के अनुसार भी हम उनका आकलन कर सकते हैं। जैसे उपलब्धि क्या है, कोई बच्चा अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठता है, अगर मानिए चित्रकारी में बैठता है और औसत से अच्छा चित्रकारी करता है, या गणित की परीक्षा में बैठता है, या किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठता है, या किसी भी प्रकार के कार्यों में युक्त होता है और उसका निष्पादन स्तर अच्छा होता है, तो आप समझ जाइए कि ऐसे बच्चे क्या है, तो प्रतिभाशाली है। उसी प्रकार बच्चे की अभिरुचि, बच्चे की अभिरुचि जितनी ज़्यादा, कोई बच्चा, आप जब विद्यालय में जाते हैं, कक्षाओं में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे होंगे, जब आप उनसे कुछ कहेंगे कि किसी प्रतियोगिता में भाग लीजिए, किसी कार्य को करिए, तो कुछ बच्चे अनायास ही आपके पास आ जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेंगे और फिर उसके लिए तैयारी करेंगे। तो ऐसे बच्चे में उसके प्रति रुचि होती है। तो इन रुचिकर वाले बालक, बच्चे, बच्चियाँ, ये भी प्रतिभाशाली बालक के निशानी है, ये इनकी पहचान हम कर सकते हैं। इसी प्रकार इनका ज्ञान, शब्द और गणना, ये भी तीव्र होता है। इनकी बोलने की क्षमता अच्छी होती है, इनके गणना करने की क्षमता अच्छी होती है, सोचने की क्षमता अच्छी होती है, तो ये इनका पहचान है। उसी प्रकार कार्य को रचनात्मक ढंग से करने के तरीके प्रतिभाशाली बालकों में उच्च कोटि के होते हैं, यानी ये रचनात्मक, क्रिएटिव माइंड के होते हैं। उसी प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता का यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। आप जब भी किसी बच्चे को देखेंगे कि वो अपनी बुद्धिमत्ता से किसी कार्य को अगर हल कर रहे हैं, तो ऐसे बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार लोगों के साथ ज़्यादा तालमेल, मेलजोल, जो प्रतिभाशाली होते हैं उनका तालमेल लोगों के साथ ज़्यादा होता है, ये सामाजिक ज़्यादा होते हैं। तो इन बच्चों को सामाजिक बनना अच्छी बात है, ये थोड़ा ज़्यादा ही खुल मिल जाते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे ही बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो कभी कभी ये गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए एक अच्छे शिक्षक, एक सफल शिक्षक होने के नाते इस व्यक्तित्व के बच्चों को हमें सही मार्गदर्शन देना है। तो मेलजोल जिन बच्चों का ज़्यादा होता है, ये बच्चे भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब इनकी विशेषताएं भी समतुल्य है, पहचान और विशेषता, विशेषता भी उसी में आ जाएगा कि इनमें प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, काफी प्रभावशाली, कोई भी इनसे प्रभावित हो सकते हैं। उसी प्रकार निर्णय लेने की क्षमता होती है, मतलब ये निर्णय ले सकते हैं, तो निर्णय लेना बचपन से ही इनमें आदत होती है, तो ये भी विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की। उसी प्रकार इनकी कल्पना शक्ति और बुद्धि लब्धि काफी उच्च होती है। आप अगर कोई विचार बिंदु इनके बीच में, विषय वस्तु इनके बीच में डालते हैं ऐसे बच्चों के बीच में, तो इनकी बुद्धि लब्धि बहुत ज्यादा होती है और इसको करने का तरीका इनको बहुत अच्छे से आता है, यानी ये निर्णय अच्छे से ले सकते हैं। अमूर्त प्रयत्न करते हैं, हार नहीं मानते, प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब भी देखे, जहाँ भी देखे, इनका सही मार्गदर्शन करें। ऐसे बच्चे हमारे समाज में अगर बड़े होते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ करके देंगे। उसी प्रकार ये बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, जिम्मेदार भी होते हैं, अपनी जिम्मेदारी का इन्हें एहसास होता है कि ये काम मुझे करना है तो करना है, तो ये जिम्मेदारियाँ ये लेते हैं, ये कप्तान की भूमिका में रहते हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उसी प्रकार सामाजिक मनोभाव होता है, मन सामाजिक होता है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, सामाजिक मनोभाव से ये काम करते हैं, सभी मित्र होते हैं, ये भी विशेषता है। मैंने कहा ना, पहचान और विशेषता में थोड़ा सा फर्क होगा। उसी प्रकार सुंदर शारीरिक विकास, सुंदर बोलने की क्षमता, ये सारे गुण प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान है। ऐसे बच्चे आपको, हमको जब भी मिले, हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए,
ऐसे बच्चे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी धरती के लिए कल्याणकारी होते हैं। तो इनका मार्गदर्शन करने के लिए इस विषय वस्तु को जानना बहुत आवश्यक था और परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, तो सबसे पहली पहचान है इनकी बुद्धि लब्धि अन्य से ज्यादा होती है। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में फिर, तब तक नमस्ते प्रणाम।